इनसे हमने पूछा, ये भी बता रहे हैं कि हमने खाई है, पी है, लेकिन हम ला चुके न सच पर मेरी गर्दन जाए न मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूँ आज। यहाँ तो इन्होंने धांधली बनाई है, हेड कमांड से लेकर यहाँ तक इनके बाप का नौकर थोड़ी है इधर कोई, इनको हम इलाके में इन्होंने तो फिर तो दहशत फैलाई। राशन मिलता था, राशन चावल और गंदम मिलता था, हम कैसे बोलेंगे खाकर हराम नहीं कर सकते कि नहीं जी नहीं मिला। सर ये जूते मारने वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए सर, ये आप दुनिया के सामने बात करें सर, दुनिया के सामने आप क्यों बोल रहे हैं सर। वीडियो अपने चैनल पे देखी थी, अपलोड हुई थी, उसमें कुछ लोग जो यहाँ के थे वो ये बता रहे थे कि यहाँ पे जो पुराना सेल्समैन था तो उसको धोखे से यहाँ से हटाया गया, तो आपके क्या राय है इसके मतलब। बराबर उसको धोखे से हटाया गया, उसको धोखे से हटाया गया, क्या उसको उस पर जो एलिगेशन लगाया गया है कि वो यहाँ पे लोगों को राशन नहीं दे रहे थे और यहाँ पे डांप था राशन और कुछ खराब हुआ था, क्या वो सच था? नहीं ये सब झूठ है। लेकिन वो जो उनके पास जो वीडियो आई हुई थी, वो फोटो आया हुआ था उनके पास जो था, वो उन्हें कहाँ चलाया था फिर? किसके पास था? मतलब जो उन्होंने यहाँ पे जो वीडियो या फोटो यहाँ से जो लिए थे ना, उनको ही पता होगा, जिन्होंने वो फोटो उठाया है उनको पता होगा। अच्छा उनको पता होगा, तो उसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे पुराने सेल्समैन थे वो यहाँ पे अच्छी तरह से काम करते थे, आपके बराबर अच्छी तरह से, मतलब पूरी तरह से जो राशन होता था फ्री वाला कोटा होता था वो भी आपको मिलता था, और उसके बाद आपकी स्केल होती थी वो भी आपको मिल जाती थी। बराबर बराबर। ओके सर, थैंक यू। क्या सर? बराबर। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पे पुराने सेल्समैन थे या नए सेल्समैन आए हुए हैं, ये आपको अच्छी तरह से यहाँ पे राशन फराहम करते हैं? नहीं, हमें तो मिलते थे राशन। जो भी आपका कोटा बनता है जो फ्री का होता है, जो मुफ्त का राशन देती है गवर्नमेंट लॉकडाउन के दौरान, और उसके अलावा जो मुफ्ती माउंट साइड का कोटा मिलता है वो भी आपको मिलता था? मिलता था, वो आपको मिल जाता था। और उसके अलावा जो उन पे एलिगेशन लगाया था वो सच है कि झूठ है, जो आपने वीडियो देखी थी? नहीं, वो मुझे नहीं पता। मतलब जो भी इल्जाम उन पे लगाया गया था उसके मुतालिक आपका क्या कहना? वो इल्जाम आपके नजरिए के मुताबिक सही था या गलत? नहीं, गलत था। गलत था, गलत हमें मिलता था गलत। सब ठीक है। ओके सर, कितना नाम बताइए? देवराज। हाँ मुझे ये बताइए कि एक वीडियो आपने देखी होगी लादवाल के चैनल पे, और उसके अलावा कुछ लोग मेरे पास आए थे वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो पुराना सेल्समैन तैनात था तो उसको यहाँ से धोखे से हटाया गया, इसके मुतालिक आपका क्या कहना है? मुझे क्या पता धोखे से हटाया या क्या है या कुछ, मैं कुछ नहीं, ना वीडियो देख सकता हूँ ना देखा है तो नहीं कुछ। तो आपको यहाँ पे पहले राशन मिलती थी अच्छी तरह? हाँ हाँ, राशन तो मिली। जब वो यहाँ पे पुराने सेल्समैन थे, गुलाम नबी उनका नाम है, उसके दौर में आपको राशन मिलती थी? हाँ, राशन कोटा गई, हम झूठ कैसे बोलेंगे कि हमें राशन ही नहीं मिली। राशन मिलता था, राशन चावल और गंदम मिलता था, हम कैसे बोलेंगे खाकर हराम नहीं कर सकते कि नहीं जी नहीं मिला। लोकल का नाम बताइए। सर मेरा नाम राजकुमार है। आप मुझे ये बताइए कि जो पहले वाला जो यहाँ पर डीलर होता था, जो यहाँ पे राशन सप्लाई करता था, तो उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? सर मेरे हिसाब से तो ठीक था राशन, ठीक है, लोगों को ठीक मिल रही थी। मैं ऐसे एक्चुअली हिलोर का रहने वाला हूँ। हाँ। मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हिलोर में आकर वहाँ 150-200 घर है उनसे भी पूछ सकते हो आपके लोगों को। बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं राशन तो खुली मिलती थी लोगों को, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल राशन खुली मिलती, मतलब जो भी स्केल आती थी जो भी सर वो स्केल तो खुली मिलती थी। किसी ने हमें आया तो मैं पेंच हूँ वहाँ का, मुझे तो किसी ने बोला कि मुझे राशन मिली ना मिली, मतलब कोई भी बंदा आपको आज तक नहीं मिला? नहीं, इतने परसेंट लोग यहाँ पर ये कहता है कि जो वो सेल्समैन थे उनको यहाँ से धोखा था। सर मुझे तो गाँव में किसी ने बोला, जिस गाँव का मैं हूँ हिलोर में 150-200 कर, मुझे तो किसी ने बोला कि मुझे सर राशन नहीं मिली। जी जी जी, तो शुक्रिया आपका। आप क्या कर रहे जी? अपना नाम बताइए आप। जी अल्लाह सर, मेरा नाम। क्या करते हैं आप? मजदूरी सर। तो जो राशन के बारे में अफवाह फैली हुई थी यहाँ पर कि राशन नहीं मिल रहा था लोगों को, तो उसके मतलब क्या था? राशन तो हमें खुली मिल रही थी सर। खुली मिलती थी, मतलब आप एतराफ करते हैं सच्चे दिल से खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर आप कहते हैं कि आपको राशन खुली तो खुली मिलती थी। बिल्कुल खुली मिलती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और है कोई?
अस्सलाम वालेकुम, आप अपना नाम बताएं सर। नाम क्या है? मेरा नाम नेक मोहम्मद। तो ये जो सिलसिला यहाँ पर मसला पहले से चल रहा था वो क्या था? मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं, मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने मेरा ऑर्डर कर दिया तो मैं यहाँ पहुँच गया। मतलब उसके बाद यहाँ पे सारा सिस्टम ठीक चल रहा है ना? हाँ, सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो यहाँ पे जो माल आता है यानी कि जो राशन आपको फराम किया जाता है वो पहले कांदी में डंप होता है, कांदी में उस वहाँ से आने के बाद यहाँ पे नागपटना में फराम किया जाता है और यहाँ से अगले का इन डिपो पे सप्लाई होता है। नहीं, इधर से कोई डिपो पे नहीं, यहाँ पे लोगों को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट। जो कुंदवाड़ा एरिया चार पंचायत है, चार पंचायतों में तो शायद मेरे ख्याल में स्टोर कितने हैं जो राशन का स्टोर है? स्टोर का तो एक ही है यहाँ नागपटना में, बाकी अभी मुझे पता नहीं और कहीं है कि नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं। पूरे चारों पंचायतों को आप ही सप्लाई करते हैं? मतलब इससे पहले भी ठीक चल रहा था। आपने जब आप यहाँ पे आए थे, यहाँ पे स्टॉक की क्या पोजीशन थी? स्टॉक की पोजीशन हमारे पास 200-301 बैग चावल थे तो हमने रिसीव किया और वही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट। उसके अलावा कोई खराब कोई माल यहाँ पे पड़ा हुआ था? माल इधर खराब है पड़ा हुआ, वो हमने हैंडओवर नहीं किया है। ठीक, आप अपना नाम बताया था? मोहम्मद यासीन मेरा नाम। तो आप क्या बताना चाहते हैं, जो भी यहाँ पे खलबली मची हुई है, धांधली मची हुई है, उसके मुताबिक आपका क्या कहना था? वाकई में यहाँ पे लोगों को राशन नहीं मिलती थी? नहीं मिलती थी, खराब राशन मिलती थी। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि आप देख सकते हो, वो भी उसको भी वीडियो बनाऊंगा, उसको भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरा तो फर्ज है यार। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि खराब राशन मिलती थी ना? अभी भी आप देख सकते हैं ये बात सिर्फ आप कह रहे हैं यहाँ पे सकते हो बोरियों में क्या है? देखो सर, खराब राशन भरी गई है वो मैं मार रहा हूँ ना आपकी बात, खराब आपकी बात मैं मार रहा हूँ कि उसको भी देखेंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो ये राशन यहाँ पे खराब, ये कब की पड़े, कितने साल पुरानी है? ये तो कुछ पता नहीं है कब साल की होगी, आप 2 साल की होगी। आप कितने बंदे ऐसे लोगों को नहीं मिलती थी, वो लोग यहाँ पे बता रहे थे, जो बताएंगे लोग देखेंगे। ये पब्लिक ओपिनियन की बात होती है, मैं जबरदस्ती थोड़ी कर रहा। मैं आप बोल रहे कि नहीं मिलती थी है? कुछ लोग बोल रहे कि मिलती है। अब हमने ये देखना है कि ज्यादा लोग किस तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन की बात है, तो आपके साथ कितने लोग ये कहते हैं कि हमें राशन नहीं मिलती थी, जिनको नहीं मिलती? गरीब लोग हैं वो, उनके साथ आप हमें मिला सकते हैं? अभी तो वो अपने अपने घरों में बैठे हैं, अभी कहाँ मिलाएंगे आपको उनके साथ? चलो मेरे साथ, होना चाहिए आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो। यहाँ से पर्चा लेके वापस बंदे गए, पर्चा काट के खराब राशन का राशन है, गवर्नमेंट देता है लोगों के लिए देता है। आपको ये यहाँ थोड़ा कैमरामैन को बता दीजिए, कमरा जो है इस पे अभी लॉक लगा है, खोलो थोड़ा खोलो को दी गई है। यहाँ पे राशन है, देखो ये वाला राशन आप देख सकते हैं, ये वाला राशन आप नागरिक देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें ये हालत क्या है। दाल भी मिली है, पत्थर भी मिले हैं, गर्दा भी मिला है, ये बोरियों में होना चाहिए था। अच्छा ठीक ठीक, ये तो फील्ड की गुच्छी में भरा गया है। ठीक, लेकिन अब मुझे ये बताइए, थोड़ा फील्ड खाएंगे इधर? अच्छा ठीक है, वो वाला जहाँ पे खराब राशन है वो मुझे दिखाइए। सर दिखाएंगे क्यों? मुझे दिखाइए सर, वो सर यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ पे लाभ किसने लगाया? ये हम खाएंगे। अच्छा, ये जो राशन है, ये जहाँ पे हालत है इसकी राशन की, ये यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है? हमें इसका कोई मालूम नहीं है, इसका कोई मालूम नहीं। सात चोर जोट लोगों ने बताना है, वेरिफिकेशन आगे ऑफिसर ने करनी है। जी वेरिफिकेशन तो होगी वो, लेकिन लेकिन बात ये है कि ये यहाँ पे क्यों बना? तो फिर सील क्यों किया है इसको, अगर खराब राशन है नहीं तो? सर आप एक मिनट ठहरो, ठहरो सर, है ना अपना काम आपसे भी पूछूंगा, थोड़ी कोई आप बिल्कुल। क्यों है ये, क्यों है यहाँ पर ये मौजूद? ये तहसीलदार साहब ने खुद ही को यहाँ पर रखी है, ताला लगा दिया है। तहसीलदार साहब का ताला लगा हुआ है ना इसको यहाँ पर, मतलब इसकी वेरिफिकेशन चाह रहे। तो नागरिक आप देख चुके हैं यहाँ पर ताला लगा हुआ है और अंदर काफी ज्यादा मिकदार है खराब राशन की पड़ी हुई है। तो तहसीलदार साहब ने यहाँ आकर खुद इसका जायजा लिया था, तो वो अब हतमी रिपोर्ट पेश करने वाले हैं कि इसमें किसका कसूर है, आखिरकार ये यहाँ पे क्यों पड़ा है, लोगों के पास क्यों नहीं गया है। जब तक इसकी हतमी रिपोर्ट आएगी तब तक इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सकेगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनके मुताबिक
यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि हमें राशन मिल रही थी, और उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि हमें राशन नहीं मिलती थी। अब इसका फैसला जो है वो सरकार ही करेगी, वो इंतजामिया ही करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मामला है कहीं ना कहीं ये 50-50 हो रहा है। और अभी तक आप देख चुके हैं कि शायद मेरे ख्याल में 80% लोगों ने बयान दिया है कि हमें राशन मिलती थी, हमें स्केल के मुताबिक मिलती थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर और मौजूद थे जिन्होंने ये बताया कि उनको राशन नहीं मिल रही है। तो इसके मुतालिक हम मालूम करने के लिए उन्हीं लोगों के घरों में जाएंगे जिनके मुतालिक ये कह रहे हैं। हम गाँव में जाकर लोगों से पूछेंगे कि आखिर मामला क्या है। आपको किसी ने बुलाया था यहाँ पे? आपको मैंने कल बताया था कि मैं आने वाला हूँ और आप अपने लोगों को वहाँ पे जमा करके रखना। नहीं सर, मैं तो कोई सरपंच नहीं हूँ, कोई मेंबर नहीं हूँ, एक सिविल आदमी हूँ। मैं भी तो राशन लेने के लिए आया हूँ, मैं कैसे लूंगा? मैं मानता हूँ कि आप राशन लेने के लिए, तो सरपंच का काम है, जिसने कंप्लेंट की है उसका काम है, हमारे थोड़ा काम है। उसका जवाब तो सरपंच ने ही देना है। तो इसका मैं ये है कि आप पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर यह बता रहे हैं कि नहीं मिल रही थी राशन, तो बस सीधी सी बात है। सईद का राशन आप लोग बोले सर, मुफ्ती सईद का जो हमें राशन आता था, यही लोग बोले कसम करके कि वो किसी को मिला है। ठीक, मुझे यहाँ जूते मारे गए लोग, अगर मैं एक बात गलत बता रहा हूँ सर। ये जूते मारने वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए सर। ये आप दुनिया के सामने बात कर रहे हैं सर, दुनिया के सामने आप क्यों बोल रहे हैं सर? आप सीधे बताइए कि जो जो लोग हैं इन्होंने मुझे बताया कि राशन मिलती थी और आप बता रहे कि राशन नहीं। हमें मुझे ये बताया कि आप काम क्या करते हैं? जब हमें नहीं मिली तो हमने वही बात बोली सर। बिल्कुल, आपकी बात मैं मानता हूँ कि नहीं मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, लेकिन आप मुझे ये बताया कि आप काम क्या करते हैं? कुछ नहीं, अपने पेशा जमींदारी है। जमींदारी पेशा? तो आपके पास राशन कौन? BPL। अच्छा, ठीक है सर। तो आपको स्केल के हिसाब से आपको पता है कि स्केल कितनी है, कितने? अभी पहले तो हमें 15 किलो चावल और 10 किलो गुंदम मिलते थे। परसों जब यहाँ तहसीलदार साहब आए, इंक्वायरी पे आए, और ये क्या बोलते हैं TSO साहब आए, उन्होंने कहा कि आपका जो है राशन 21 किलो चावल और 14 किलो गुंदम बनता है। तब जाके हमें पता चला कि हमारे 21 किलो चावल और 14 किलो गुंदम बनते हैं। इससे पहले हमें 15 किलो चावल और 10 किलो गुंदम के हिसाब से मिलते थे। आपका जो बयान है वो रिकॉर्ड हो चुका है। आपका गांव यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। और पहले आपको राशन वहाँ पे पहुँचाई जाती थी? पहले सर हमें ये जो पहले मुद्रानट आए 9 महीने की राशन 20 में, मतलब समझो आज 21 है, ये एंडिंग 20 में हमें 9 महीने की राशन मांगी है। मतलब बिल्कुल वही पहुँचा ही हमें बिल्कुल। और इसलिए हम चाहते हैं सर कि हमें फिर वहीं मिलनी चाहिए। आज कहते हैं नहीं कि आप वहाँ नहीं मिलेगी, आप इधर आ जाओ। अच्छा, आपको वहाँ से यहाँ? हाँ, तभी तो मैं आया हूँ इधर। अच्छा, आप राशन लेने आए? नहीं, राशन झोला यहाँ पे मौजूद है। हाँ बिल्कुल, इस झोले में आप राशन लेना चाहते हैं, ये यहाँ से लेके आए हैं झोला, इनके पास है ना? अब मैं क्या चुकूंगा यहाँ से बूढ़ा आदमी राशन? हाँ, जैसे मतलब यही एक डिस्टेंस दिखा लो, आपको 7-8 किलोमीटर घूम करो थोड़ा वहाँ पे, लगभग 3 किलोमीटर यहाँ पे स्टेट। नहीं नहीं, यहाँ से 4-5 किलोमीटर है, यहाँ से नाले में नाले से। अगर इस स्ट्रेट में देखेंगे 3 किलोमीटर, लेकिन अगर हम ऐसे घूम के जाएंगे ये 6 किलोमीटर दूर कर जाता है। और यहाँ पे वो गांव दिख रहा है, वहाँ से इन चाचा जान को राशन लेने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो ये आप खुद अंदाजा लगाइए कि गलती किसकी है। अब जो बूढ़िया है माताएं वो आएंगी, टेस्ट करेंगी, कितनी तकलीफ होगी उनको? वही आए राशन, वहाँ आए फिंगर टेस्ट भी वही होगा, मतलब उनको भी वहाँ से आना। तो माता हमारी जो बूढ़ी माता है बहने, आप उनसे पूछ लीजिए, कोई छुपी छुपाई बात नहीं, बस हमारी यही।